खबर बरेली से है। वहां पर एक शराबी ने पुलिस को घंटों छकाया है। दरअसल लॉकडाउन की वजह से शराब की दुकानें बंद चल रही और ऐसे में शराब का एक लती शख्स यूनिपोल पर चढ़ गया। मामला जिले की प्रसाद टाकीज के सामने का है। यूनिपोल पर चढ़ा शख्स आने जाने वालों से शराब की मांग कर रहा था। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे नीचे उतारने के लिए बहुत देर तक मशक्कत की। ये देखिए आप तस्वीरें, शराब का लती है ये व्यक्ति। शराब न मिलने से परेशान, बहुत देर मशक्कत के बाद ये नीचे उतरा, यूनिपोल पर चढ़ गया था। देखिए कैसे बरेली में ये सब कुछ हुआ। इस शराबी का ड्रामा देखिए, शराब मिल नहीं रही लॉकडाउन की वजह से, और इस वजह से ये इतना निराश, इतना हताश कि इसने ये सब कुछ किया। यूनिपोल पर चढ़ गया था और देखिए बाद में ये उतरा कैसे। बहुत मशक्कत के बाद, बहुत समझाने बुझाने के बाद ये व्यक्ति नीचे उतरा। बरेली की तस्वीरें, एक बार फिर से देखिए तस्वीर आप। अनूप मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अनूप, पूरी कहानी बताइए। देखिए आपको बता दें, ये जो युवक है ये मानसिक रूप से विकृत है और ये वहाँ पर यूनिपोल पे चढ़ गया, जिसके बाद मौके पे पुलिस पहुंची। पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए, काफी समझाती रही पुलिस। करीब आधे घंटे तक ये ऊपर चढ़ा रहा, जिसके बाद पुलिस के लाख समझाने के बाद ये अपने आप ही नीचे उतरा। तब जाकर पुलिस कर्मियों ने रात के साथ ही, दरअसल ये युवक लगातार शराब की मांग कर रहा था और लॉकडाउन होने की वजह से शराब की दुकानें बंद है, जिस वजह से इसको शराब नहीं मिल पा रही थी। आज ये युवक यूनिपोल पर चढ़ गया। यूनिपोल के पास से हाई टेंशन लाइन भी जा रही थी, जिस वजह से और ज्यादा कच्चा मच रहा था। पुलिस कर्मियों को ये डर लग रहा था कि कहीं अगर ये गिर गया या ये कूद गया तो इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। फिलहाल आधे घंटे के कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस कर्मियों ने राहत की सांस ली है। पुलिस कर्मियों के समझाने के बाद ये युवक यूनिपोल से नीचे उतर गया। शुक्रिया आपका अनुप। ये व्यक्ति जिसको आपने देखा यूनिपोल पर चढ़ा हुआ, ये मानसिक रूप से विकलांग था। आगे बढ़ते हैं। आगरा में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। जांच रिपोर्ट में दो डॉक्टर्स दोषी पाए गए हैं। इलाज के अभाव में व्यापारी की मौत हुई थी। एसएनएमसी और एक जिला अस्पताल डॉक्टर दोषी पाए गए हैं। प्रमुख सचिव की रिपोर्ट पर अब शासन इनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। इलाज के अभाव में व्यापारी की मौत हुई। एबीपी गंगा ने आपको पूरी खबर दिखाई, आपको बताया कि कहां चूक हुई है, जांच की गई और उस रिपोर्ट में दो डॉक्टर्स दोषी पाए गए, एसएनएमसी और एक जिला अस्पताल के डॉक्टर, ये दोनों दोषी पाए गए। शासन अब इनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा, क्योंकि अब रिपोर्ट आ चुकी है, दो लोग दोषी पाए गए। प्रमुख सचिव की रिपोर्ट पर शासन कार्रवाई करेगा। यह है एबीपी गंगा की खबर का असर। हमने आपको खबर दिखाई। नितिन उपाध्याय हमारे साथ हैं। नितिन, पूरा मामला दर्शकों को बताइए और फिर बताइए कि हमने क्या कहा और उसका क्या असर हुआ। देखिए, एबीपी गंगा ने खबर दिखाई थी, उसका बड़ा असर हुआ है। दरअसल आगरा में जिस तरीके से इलाज न मिलने के अभाव में लोगों की जान जा रही है, उसकी खबर एबीपी गंगा प्रमुखता से दिखा रहा है। और ऐसे में ही एक खबर दिखाई थी, किस तरीके से कमला नगर के बल्केश्वर इलाके के जो भगवान नगर के रहने वाले हैं, आलोक कुमार मुकेश गोयल की इलाज न मिलने से मौत हुई थी, उसको लेकर आलोक कुमार ने एक जांच टीम गठित की थी और जिसकी जांच टीम की रिपोर्ट उनके पास आ गई है। लापरवाही में एक सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर दोषी है, तो वहीं दूसरी तरफ एक जिला अस्पताल का डॉक्टर दोषी है। और ऐसे में प्रमुख सचिव की रिपोर्ट पर अब शासन कार्रवाई करेगा, क्योंकि वो रिपोर्ट अब शासन को भेज दी गई है। ऐसे में एबीपी गंगा भी यही का जो पूरा जो निष्कर्ष है वो ये है कि जब तक ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये डॉक्टर नहीं समझने वाले हैं और ऐसे उनकी लापरवाही की वजह से ही लोग दम तोड़ रहे हैं। शुक्रिया आपका नितिन। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ऐसी लापरवाही की वजह से ही लोग दम तोड़ रहे हैं।
और आगे बढ़ते हैं खबर कानपुर से। मंदिर जा रहे बुजुर्ग को सजा देने का मामला अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि पनकी थाने के एसओ का एक और वीडियो सामने आ गया है। इसमें वो लॉकडाउन के दौरान बाहर निकले युवकों को दोपहर के वक्त गिट्टियों भरी सड़क पर रेंगने को मजबूर कर रहे हैं। आपको बता दें कि पनकी थाना इलाके के खिलाफ बुजुर्ग को मेढक की चाल में चलाने के मामले में जांच हो रही है। ये देखिए पनकी थाना अध्यक्ष का एक और वीडियो वायरल हो गया है। खबर का सर, पनकी थाना अध्यक्ष का एक और वीडियो वायरल। दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। कल एक बुजुर्ग को मंदिर में कैसे चलने के लिए जाने के लिए कहा गया आपने पांव पर बैठकर, वो आप देखिए। और आज कानपुर के पनकी थाना इलाके का एक और वीडियो देखिए आप। यहाँ पर रेंगते हुए जाने के लिए कुछ कहा गया। तो लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए क्या किया जा रहा है, इसकी भी एक तस्वीर आप देख लीजिए। कानपुर की दोनों तस्वीरें पनकी थाना इलाके की, कल की तस्वीर एक और, दूसरी तस्वीर दूसरी ओर। और ये बता रहा है कि पुलिस कहीं कहीं पर कितनी ज्यादती कर रही है लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए। कहीं पर लोग पुलिस पर हमला कर रहे हैं तो दूसरी ओर तस्वीरें ऐसी भी हैं जहां पर लोगों पर खामखा ऐसा करने के लिए दबाव बनाया गया जिसे अत्याचार ही कहा जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर हमारे पास उत्तराखंड से। वहां पर दो और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रुद्रपुर में दो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। दोनों युवक दिल्ली से आए थे, पुलिस ने बॉर्डर पर क्वारंटीन किया था इन्हें। दोनों पॉजिटिव मरीज सोमेश्वर के रहने वाले हैं। दोनों युवक दिल्ली से आए थे, पुलिस ने बॉर्डर पर इन्हें क्वारंटीन किया था। दोनों पॉजिटिव मरीज सोमेश्वर के रहने वाले हैं। उत्तराखंड में दो और कोरोना पॉजिटिव मामले। रुद्रपुर में दो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, इटावा के आइसोलेशन वार्ड में एक संदिग्ध कोरोना मरीज फरार हो गया है। कहा जा रहा है कि आरोपी अस्पताल की खिड़की तोड़कर फरार हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि बकेवर कस्बे के रहने वाले गुलफाम को पुलिस ने अवैध गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके कोरोना संदिग्ध होने पर पुलिस ने उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया था। इटावा में देखिए आइसोलेशन वार्ड से कोरोना संदिग्ध भागा है, अस्पताल की खिड़की तोड़कर फरार हुआ है। आइसोलेशन वार्ड से भागा है ये कोरोना संदिग्ध। अस्पताल की खिड़की तोड़कर ये संदिग्ध फरार हुआ है। इटावा से खबर, अस्पताल की खिड़की तोड़कर संदिग्ध फरार हुआ है। आइसोलेशन वार्ड से भागा है कोरोना संदिग्ध, बड़ी मुसीबत। कोरोना संदिग्ध अस्पताल की खिड़की तोड़कर इटावा में फरार हो गया। और लॉकडाउन के दौरान बेरोजगारी से परेशान होकर पलायन का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली से रिक्शा चलाकर कन्नौज पहुंचे 16 मजदूरों को पुलिस ने रोका है। 6 अलग अलग रिक्शों पर सवार होकर ये सभी दिल्ली से बिहार के लिए निकले थे। एक्सप्रेसवे पर सौरख पुलिस ने इन्हें रोका। पीड़ित रिक्शा चालकों के मुताबिक इनके आगे भूखमरी की नौबत आ गई थी, इसकी वजह से ये लोग बिहार जाने के लिए निकल पड़े थे। कन्नौज की तस्वीरें, 16 रिक्शा चालक सौरख पुलिस ने एक्सप्रेसवे पर इन्हें रोका, भुखमरी की वजह से ये लोग निकल पड़े थे।
दिल्ली छोड़ने को मजबूर हुए थे। ऐसी भी मार्मिक तस्वीरें। इधर यूपी के डीजी जेल आनंद कुमार गाजियाबाद पहुंचे। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में तकरीबन 40 अस्थायी जेल बनाई जा चुकी हैं। ये जेल जमातियों और उनके लिए बनाई गई। उन्होंने हाल फिलहाल में कुछ ना कुछ आपराधिक घटना की है, जिसमें पुलिस पर हमला भी शामिल है। लॉकडाउन के दौरान कानून तोड़ने वाले इन अस्थायी जेलों में रहेंगे। और लॉकडाउन में प्रयागराज में फंसे स्टूडेंट्स को उनके घर वापस भेजे जाने का काम पूरा हो गया है। 3 दिनों में प्रयागराज से 15,000 से ज्यादा छात्रों को यूपी के अलग अलग शहरों में भेजा गया है। स्टूडेंट्स को उनके घर तक पहुंचाने के लिए 3 चरणों में रोडवेज की 509 बसों को लगाया गया था। डीएम के मुताबिक छात्रों के लिए अब कोई बस मुहैया नहीं कराई जाएगी। ज्यादातर जरूरतमंद छात्र अपने घरों को वापस जा चुके हैं। जो कुछ लोग बचे हुए हैं, उन्हें अब लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार करना होगा। और बड़ी खबर है, कानपुर में 2 महिलाएं सड़क पर भिड़ गई हैं। पानी के विवाद में आपस में भिड़ी हैं और पुलिस ने महिलाओं पर लाठियां भी भाजी हैं। कोरोना काल में पानी के लिए युद्ध हो गया कानपुर में सड़क पर 2 महिलाओं के बीच। पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी। ये भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि पुलिस को इसको नियंत्रण में लेने के लिए लाठियां भाजनी पड़ गई। पानी को लेकर विवाद, 2 महिलाओं के बीच सड़क पर कानपुर में। प्रभात अवस्थी हमारे साथ फोनलाइन पर है, हमारे सहयोगी। प्रभात, क्या हुआ है सड़क पर? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये जो पूरा मामला है, गोविंद नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो साकेत नगर पड़ता है वहां का है, जहां पर सड़क के किनारे जो लोग रहते हैं, जो बस्ती में लोग रहते हैं, वो ठंडा पानी भरने को लेकर 2 पक्ष जो है वो आपस में लड़ जाते हैं और देखते देखते मारपीट इतनी बढ़ जाती है कि जब पुलिस वहां पर पहुंचती है उसके बाद ये महिलाएं जो है वो मान नहीं रही थी, जिसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, लाठी बांधनी पड़ी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं लड़ रही हैं, उसके बाद पुलिस महिला पुलिस कर रही है और साथ साथ जो दरोगा है वो महिलाओं के ऊपर लाठी चला रहे हैं, उसके बाद जबरन उनको बैठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं है। जी बहुत धन्यवाद आपका प्रभात। कानपुर में 2 महिलाएं सड़क पर भिड़ गई हैं पानी के विवाद में और उनको नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठी भाजनी पड़ी। जल्दी ही तस्वीरें आपके सामने होंगी। पानी का विवाद था, 2 महिलाएं आपस में भिड़ गईं। ये देखिए आप तस्वीरें, कानपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 महिलाएं सड़क पर भिड़ गईं आपस में, ये देखिए। देखिए आप 2 महिलाएं कैसे आपस में भिड़ी पानी के विवाद में, पुलिस को लाठियां तक भाजनी पड़ी इन्हें रोकने के लिए। बाद में इन 2 महिलाओं का साथ देने के लिए इनके पक्ष से कुछ और महिलाएं भी आ खड़ी हैं। कानपुर की तस्वीरें आप देखिए, महिलाओं के आपस में भिड़ंत की तस्वीरें, पानी को लेकर आपस में भिड़ंत। और इधर बहराइच के मेडिकल कॉलेज में तैनात सफाई कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन कर अस्पताल प्रबंधन की बड़ी कमियों को उजागर किया है। सफाई कर्मियों का कहना है कि वो जान जोखिम में डालकर आइसोलेशन वार्ड से कोरोना क्वारंटाइन वार्ड की सफाई करते हैं, इसके बावजूद उन्हें वायरस से बचने के लिए कोई पीपीई किट नहीं दी गई। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने सैलरी न दिए जाने का भी आरोप लगाया, जबकि अस्पताल प्रशासन आरोपों को गलत बता रहा है। और लॉकडाउन के दौरान स्थानीय मजदूरों को रोजगार दिलाने की यूपी सीएम की मुहिम अब रंग लाने लगी है। अंबेडकर नगर के टांडा तहसील में स्थानीय रोजगार मिलने से मजदूरों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मजदूरों को मनरेगा के तहत उन्हीं के गांव में ही रोजगार दिया गया।
जो शहर जाकर मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहे थे और लॉकडाउन में उनके सामने रोजी रोटी के लाले पड़ गए थे। गाँव में ही इन ग्रामीण मजदूरों को रोजगार मिलने से इन मजदूरों के चेहरों पर फिर से खुशी लौट आई। अगली खबर कन्नौज से है, यहां पर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मामूली से विवाद के बाद वहां पर खूनी संघर्ष हो गया। लाठी डंडे और पथराव का वीडियो वायरल हो रहा है। विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र खरौली गांव की घटना है, तस्वीरें देखिए आप कन्नौज की। कन्नौज की तस्वीरें, मामूली सा विवाद था जो बाद में खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। आगे बढ़ते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों पर कोरोना ने बहुत बुरी मार की है। पेंशन पर गुजारा करने वाले बुजुर्गों की और ज्यादा शामत आई हुई है। ऐसा एक भावुक नजारा कानपुर में दिखाई दिया, जहां एक बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए हाथ ठेला पर लादकर पहले बैंक ले जाना पड़ा और फिर उसके अकाउंट से पेंशन की रकम निकालकर उसकी दवा का इंतजाम हो सका। कानपुर की तस्वीरें, मार्मिक तस्वीरें। साधन न मिलने से ठेले पर, हाथ वाले ठेले पर लेकर पहले बैंक गए, पेंशन की रकम निकाली गई, फिर जाकर कहीं दवा का इंतजाम हो पाया। और इधर आगरा जोन के एडीजी अजय आनंद के मुताबिक उनके जोन में हाथरस, कासगंज और एटा ये तीन जिले हैं जहां पर स्थिति बहुत बेहतर है। वहीं आगरा में नंबर्स बढ़ रहे हैं कोरोना पेशेंट्स के और ये चिंता की बात है। साथ ही जो आंकड़े बढ़े हैं ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के जरिए हुआ है। आगरा एडीजी जोन अजय आनंद साहब सड़कों पर हैं। आपके जोन में सर 8 जिले आते हैं, तो पूरे जोनल वाइज सर किस तरीके से क्या स्थिति है सर? मेरा हाथरस कोरोना फ्री हो गया है, मतलब जो 21 दिन पहले आए थे उसके बाद से हाथरस में कोई नहीं आया है। कासगंज में 3 थे और वो भी मेडिकल इन्फेक्शन के थे, उसके बाद से कासगंज में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। एटा में ज़रूर 3 थे, वो भी मेडिकल इन्फेक्शन के थे, वो एटा में भी मात्र एक और आया, एक लड़की आई है कोरोना पॉजिटिव, उसके एरिया को भी हमने कंटेन कर लिया गया है। तो हमारे तीन जनपद की स्थिति तो बहुत अच्छी है। मथुरा में भी अभी तक मात्र केवल 15, जिसमें 2 डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। साथ साथ जो आप आगरा की बात कर रहे हैं, जैसे 49 हॉटस्पॉट एरिया था, आज घट के 39 हो गया है, 10 हमारे ग्रीन जोन में भी आ गए हैं। जो आपके नंबर जरूर बढ़ रहे हैं आगरा में, ये कंसर्न की बात है, लेकिन जो नंबर बढ़ रहे हैं वजह क्या आप मानते हैं? जो नंबर बढ़ रहे हैं वो ज़्यादातर उन्हीं हॉटस्पॉट एरियाज में बढ़ रहे हैं। आज भी मात्र केवल एक ऐसा व्यक्ति आया है जो अननोन सोर्स से अभी तक बता नहीं पा रहा है कि उसको कैसे ये कोरोना पॉजिटिव, मतलब किसके संपर्क में आया वो कहने। सवाल ये भी है कि सर, जो पुलिस लॉकडाउन में बैकबोन की तरह है, रीढ़ की हड्डी की तरह है, और ऐसे में सर क्या कॉन्टेक्ट सर्विलांस क्या प्रॉपर हो पा रहा है? ये नंबर लगातार बढ़ रहा है, ये लगता तब तक लोग संक्रमित हो जाते हैं जब तक हम उसको ट्रेस कर पाते हैं। नहीं, देखिए ये जो नंबर बढ़ रहा है हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के चलते बढ़ रहा है। एक तो प्राइमरी कॉन्टैक्ट उठाते हैं, उसके बाद फिर उनके सेकेंडरी कॉन्टैक्ट को उठा के फिर जिसको होम क्वारंटाइन करना होम क्वारंटाइन कराते हैं, जिसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कराते हैं, और पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे स्थिति सुधरेगी। जोन के जो एडीजी हैं अजय आनंद लगातार सड़कों पर निकल रहे हैं और उनका कहना है कि वो लगातार इस बात को लेकर भी प्रयासरत हैं कि जो पुलिसकर्मियों में कोरोना फैल रहा है वो कोरोना ना फैले, क्योंकि अगर पुलिसकर्मियों में बड़े स्तर पर संक्रमण फैला तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी, क्योंकि आगरा इस समय सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। आगरा से कैमरा पर्सन दिलीप सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 गो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि चरथावल थाना इलाके के कुल्हेड़ी गांव के जंगल में गोकशी हो रही है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और इसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस और सामान मिला है। इधर गोंडा में बीती रात मंदिर के महंत पर जानलेवा हमला किया गया। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने सोनबरसा के पास एक आश्रम के महंत पर हमला बोला। इसमें महंत ने मंदिर के दरवाजे बंद कर अपनी जान बचाई। कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले मंदिर के पास पोखर में मछली मारने को लेकर महंत का कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने
घायल मंद को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। और अब आपको अभिनेता ऋषि कपूर की उनके पार्थिव शरीर की तस्वीरें दिखाते हैं। अंतिम संस्कार से पहले, पंचतत्व में विलीन होने से पहले की ये तस्वीर ऋषि कपूर की। सभी हाथ जोड़े खड़े वहां पर जो उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे। उनके बेटे रणबीर कपूर को आप देख पा रहे हैं। जो लोग भी वहां पर थे उन सब की तस्वीरें जो अंतिम संस्कार में शामिल हुए। पंच तत्व में थोड़ी देर पहले विलीन हुए और ये उनके पार्थिव शरीर को आप देख पा रहे हैं। बेटे रणबीर कपूर अंतिम संस्कार की तमाम रस्में उन्होंने आज पूरी की वहां पर। और ये तस्वीरें अंतिम संस्कार के संपन्न होने के बाद की, तमाम रस्में जो अंतिम संस्कार की थी उसे निभाया उनके बेटे रणबीर कपूर ने। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंतिम संस्कार की जो तमाम रस्में थीं वो जब निभाई जा रही थी उस वक्त की आप तस्वीरें देख रहे हैं। लॉकडाउन के बीच में सिर्फ 15 से 16 लोगों को अनुमति मिली थी। पंच तत्व में विलीन होने से पहले इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम में जाने से पहले जो अंतिम संस्कार की रस्में थी वो ऐसे निभाई रणबीर कपूर ने, उनके बेटे रणबीर कपूर ने। सभी लोग वहां पर मौजूद थे, जो 15-16 लोग जिनको अनुमति मिली थी। तस्वीरों के साथ ही